Good morning students, welcome back. Today in this video we will discuss our next topic. आज का हमारा next topic है that is Nernst equation. Very important topic. देखिए competition level पे तो है इसकी derivation, but in the board level, at the board level we don't have the derivation for this topic. Derivation नहीं है. सबसे पहले ये जानते हैं कि Nernst equation होती क्या है. Nernst equation is the equation which is used to calculate the electrode potential of a cell. Cell का electrode potential calculate करने के लिए जो equation हम use करते हैं that is Nernst equation. Difference क्या है यहाँ पे electrode potential हम दूसरे method से भी calculate करते हैं, but यहाँ पे क्या difference है? हम किसी भी concentration पे किसी भी temperature पे generally calculate कर सकते हैं जो electrode potential है. That's why to calculate in the simple terms we can say that to calculate electrode potential at any concentration or at any temperature we used to use the Nernst equation. कौन सी equation use करते हैं? Nernst equation. But no doubt हमारे पास जो syllabus में है numericals आप देखेंगे most of the numericals are considered at the temperature of 298 Kelvin standard temperature के लिए that is 25 degree Celsius. आपको कोई derivation नहीं करनी, कुछ formulas हैं वो directly आपको क्या याद होना चाहिए, formula याद होना चाहिए. डेरिवेशन ही नहीं है आपके पास. चलिए देखिए पहला फॉर्मूला E cell is equals to E naught cell minus 2.303 RT upon NF log product upon reactant. यहाँ पे आपका ई सेल क्या है? ई सेल इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसेंट्रेशन. किसी भी कंसेंट्रेशन पे जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कोई भी जरूरी नहीं है वन मोलर होगी, यहाँ पे कोई भी कंसेंट्रेशन हो सकती है, उस कंसेंट्रेशन पे जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा दैट इज ई सेल. ई नॉट सेल दैट इज स्टैंडर्ड, जिसको आपने निकालना भी सीखा है, E नॉट के थोड़ माइनस E नॉट एनोड से स्टैंडर्ड EMF या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है जी, दैट मीन जब कंसेंट्रेशन कितनी होगी वन मोलर, प्रेशर क्या होगा वन बार या वन एटमोस्फेरिक, टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 298 केल्विन. स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब ये होता है E cell हो गया, E not cell हो गया. R, R is gas constant. Gas constant की value fix है, that is 8.314. Unit क्या होगा? Joule per Kelvin per mole. देखिए, अगर आपको कहीं पे किलो जॉल में यूज करने की जरूरत पड़े, 8.314 into 10^-3. जाउल से किलो जॉल में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 1000 से, तो वही हुआ इनटू 10^-3 किलो जॉल पर केल्विन पर मोल. टेम्परेचर, पीस टेम्परेचर, जनरली हमारा यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा दैट इज 298 केल्विन, नो डाउट. चलो हम अलग भी मिल जाएगा. एफ एस फराडे कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू हमने कल की है 96500 कूलर. इसके बाद एन, एन एफ बड़ा था ना, एन एफ ई नॉट सेल, एन क्या होता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हुए हैं, ये बोल लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं दैट इज एन. देखिए ये जो आपके पास ये वाली ब्रैकेट्स होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमेशा हम क्या लिखते हैं कंसेंट्रेशन. तो ये क्या होगी आपकी कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी एंड दिस इज कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है जी, इज इट क्लियर? आपको सिर्फ क्या याद करनी है, फॉर्मूला याद करनी है. अब यही फॉर्मूला यही है, बस इसको घुमाया फिराया हुआ थोड़ी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग. चलिए देखते हैं,
देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 एन एफ आर टी लॉ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टिव। ठीक है जी, इसके अलावा आपके पास फॉर्मूला है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 अपॉन एन एफ आर टी लॉग एनोड अपॉन कैथोड। अभी मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वो धीरे धीरे पता लगेगा। फिलहाल हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला पढ़ रहे हैं E नॉट सेल माइनस 2.303 एन एफ आर टी लॉग ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। उसके बाद ये तो पागल बनाने वाली बात है, ये भी वही होगी, सेम चीज़ है, वही मैंने बोला चीज़ें वही मिलेंगी, बस थोड़ा अपने माइंड को अलर्ट रखना है, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे एक ही फॉर्मूलाज हैं। ठीक है जी, चलिए इसके बाद ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 एन एफ आर टी लॉग 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव। ये थोड़ा सा डिफरेंट आया, जब यूज करेंगे तब पता करेंगे कि ये हमें कैसे पता लगेगा। लास्ट फॉर्मूला है ई सेल, E नॉट सेल माइनस 2.303 ऑन एन एफ आर टी लॉग के सी। प्लस वन में हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था के सी इज व्हाट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। के सी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो दैट मींस ये नहीं है, ये वाला फॉर्मूला हो गया। ये सारे फॉर्मूला सेम ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, बस देखिए अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इजी कर देते हैं। ठीक है, बार बार इतनी कैलकुलेशन करनी इजी नहीं होगी। देखिए हमें आर की वैल्यू पता है, फिक्स है, दैट इज 8.313। आपको यहाँ पे बोल दिया गया है कि आपका टेम्परेचर हर बार कितना होगा 298 केल्विन। अगर ऐसा ना हो तो जो फॉर्मूला अब लिखने जा रही हूँ वो आप यूज़ नहीं करेंगे। उसी के लिए आपको ये फॉर्मूला कि अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो तो जो फॉर्मूला अब लिखूंगी वो यूज़ नहीं करेंगे, तब आप इन्हीं से भी कोई फॉर्मूला यूज करेंगे। आर की वैल्यू फिक्स है 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स है दैट इज 298 केल्विन, एफ की वैल्यू फिक्स है दैट इज 96500। अगर उन सब की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देते हैं तो आप ये बोल सकते हैं ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, देखिए 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टी की वैल्यू 298 केल्विन अपॉन एन इंटू 96500 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सब में ये चीज है, ये देखिए ये चीज सब में है। ठीक है, अब देखिए हर बार हमारे में इतनी बड़ी कैलकुलेशन, ये तो जितनी मर्जी बार आ जाए हर बार आंसर तो वही आएगा। ठीक है, इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने हमें पहली कैलकुलेशन कर दी कि इस चीज को अगर हम कैलकुलेट करते, मतलब 2.303 आर टी और एफ की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर दे तो इसके बाद हमारा आंसर आ जाता है 0.0591। नहीं आपको यकीन, आप सॉल्व करके देख लीजिए, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। दैट मींस इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला हम ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर क्वेश्चन में 298 केल्विन नहीं हुआ तब आपको हर हालत में ये यूज करना पड़ेगा, तब आपकी वैल्यू ये नहीं आएगी, ये तो तब आ रही है जब टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन।
इन द सेम वे ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, इस चीज को सॉल्व करके क्या आएगा, 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड। ठीक है जी, नेक्स्ट फॉर्मूला में ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। सब फॉर्मूले में नहीं है, हम सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट फॉर्मूला ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव। ये तो हमें पता लग गया कि जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही है वहीं पे ये फॉर्मूला जरूर होगा। ये तरह फॉर्मूला कब यूज होगा, अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक हाफ रिएक्शन या तो ऑक्सीडेशन आप दिया हुआ है या रिडक्शन आप दिया हुआ है, तो जो भी आयन आएगा वो 1 अपॉन में आएगा। ये भी यहीं से बना है फॉर्मूला। इस तरह का जब क्वेश्चन करेंगे वहां पे हमारे पास क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, कि 1 अपॉन ही क्यों आया। चलिए लास्ट, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। ये तो हमें पता लग गया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्ट। तो दीज वर द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू द नर्व्स इक्वेशन। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की थोड़ी सी बात करते हैं कि आपको इलैबोरेट कर देते कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों बने। देखिए चलिए, अगर आपको याद हो हमने प्लस वन में इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कंसेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, व्हिच इज प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड है, इज टेकन एज यूनिटी, दैट मीन्स 1। अगर कोई हमारे पास रिएक्शन में प्योर सॉलिड या प्योर क्या है लिक्विड है तो उसकी कंसेंट्रेशन हमेशा हम यूनिटी लेते हैं, दैट इज 1। हम एक रिएक्शन लेके चल लेते हैं, देखिए कोई मेटल है सॉलिड, मैंने ये बोला ये रिएक्शन कब यूज, ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा, कोई हाफ रिएक्शन या तो ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन। चलिए देखिए, यही ले लीजिए एम टू पॉजिटिव। ठीक है, एग्जांपल लेके चले क्या, चलिए एग्जांपल लेता हूँ। देखिए जिंक, जिंक टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए ना। ठीक है, या तो ये चीज हो सकती है, अब इसको इसकी टर्म्स में बात कर रहे हैं जनरल, मेटल से एम एन पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, मेटल एम एन पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन गेन करके एम बन जाएगा, ये चीज है। देखिए हमें क्या पता है, यहाँ होता है ये चीज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर हम ये वाली रिएक्शन देखें तो हमारा ये होना चाहिए एम एन पॉजिटिव अपॉन एम, ठीक है यही होना चाहिए ना, लेकिन वहां पे जो हमारा फॉर्मूला है उसमें 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या है रिएक्टेंट है। देखिए आयन ऐसा रिएक्टेंट हमेशा कब आएगा, रिडक्शन, मैंने आपको वो तो दिया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बट हमें पता है कि जब भी हम इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकालते हैं किसके टर्म्स में निकालते हैं, रिडक्शन। अगर आपके पास कोई ऑक्सीडेशन के टर्म्स में रिएक्शन होगी तो ऑटोमेटिकली आप उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, रिडक्शन की टर्म्स में। अब ये ऊपर वाली दोनों क्या है ऑक्सीडेशन, इसको मैंने किसमें कन्वर्ट कर लिया है, रिडक्शन की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए अब आपके लिए ईजी हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्ट। अब देखिए अगर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, प्रोडक्ट में क्या है मेटल प्योर सॉलिड अपॉन रिएक्टेंट में क्या है एम एन पॉजिटिव।
और अभी अभी हमने पढ़ा प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की कंसेंट्रेशन हमेशा क्या होती है, 1। तो ये क्या हो गया, 1/mL पॉजिटिव। अगर आपके पास क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन की टर्म्स में तो इसको आप ऑटोमेटिकली रिडक्शन की टर्म्स में कर देंगे। आई होप दीज फॉर्मूलाज आर क्लियर टू पीपल। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग द नर्व्स इक्वेशन। टिल देन थैंक यू सो मच।